रैन बोले मुझे कब्र में, ये रैन बोले मुझे कब्र में, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जुम्मा मुबारक। स्टेटस वीडियो एडिट करेंगे हमारा एक मशीन ऐप में, तो आपको अलर्ट मशीन में से के पैड और बिट मैप प्रीसेट है, वो दोनों भी आपके अलर्ट मशीन में इंपोर्ट कर लेना। तो आपको इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर 16.4 पे आना है, तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, इमेज सेलेक्ट कर लेना है, 3 डॉट पे जाना है, फुल कॉम्पैक्स एरिया पर के इस पर टाइप कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर आइटम टाइप करके जहाँ तक बिट मार्क है वहाँ तक ऐड कर लेना है। उसके बाद में फिर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेना है, 3 डॉट पे जाना है, फुल कॉम्पैक्स एरिया टाइप कर लेना है, और यहाँ पर आइटम टाइप करके और यहाँ से यहाँ तक इमेज ऐड कर लेना है। तो इसी तरह आप सारे में इमेज ऐड कर लेना है। उसके बाद और यहाँ पर से के पट और ये रेक्टेंगल पे टाइप करना है, एफेट्स पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है, एफेट कॉपी कर लेना है, इसके बाद बैक करना है और बीट मार्क प्रीसेट ओपन करके यहाँ पर रेक्टेंगल पे टाइप करना है, एफेट्स पे जाना है, 3 डॉट पे जाना, पेस्ट कर लेना है और इस रेक्टेंगल में एफेक्ट पेस्ट कर लेना। उसके बाद बैक करना है और सेव के बटन दबाना है। यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट पे टाइप करना है, एफेट्स देना है, 3 डॉट पे ना एफेट कॉपी कर लेना और उसके बाद बैक करना है और बीट मार्क पे सेट ओपन करके यहाँ पर टेस्ट टाइप करना है, एफेट्स देना है, 3 डॉट पे ना पेस्ट कर लेना और टेस्ट पे टाइप करके एफेक्ट पे जाकर 3 डॉट पे जाकर पेश कर लेना। अब जो इमेज ऐड करे बाद में बैक करना है और से के पट बनाए यहाँ पर फर्स्ट इमेज टाइप करना है, एफेट देना है, 3 डॉट पे देना है, एफेट कॉपी कर लेना है, उसके बाद बैक करना है और बीट मार्क प्रीसेट ओपन कर लेना है। यहाँ पर 17.6 पे आना, इसी में टाइप करना है, एफेक्ट देना है, 3 डॉट पे आना, पेस्ट कर लेना और 19.12 पे जो इमेज है उसमें पेस्ट कर लेना। और यहाँ पर 23.14 पे जो इमेज है उसमें पेस्ट कर लेना। और यहाँ पर 27.15 पे जो इमेज है पेश कर लेना है और उसके बाद बैक करना है और से के पट बना है।
यहाँ पर 3.15 पेज इमेज है, इसमें एपेट कॉपी कर लेना है, उसके बाद बैक करना है और बीट मार्क की सेट ओपन करके यहाँ पर 21.39 पे जो इमेज है उसमें पेस्ट कर लेना। और यहाँ पर 25.38 पे जो इमेज है उसमें पेस्ट कर लेना। और लास्ट इमेज में पेस्ट कर लेना और इसके बाद में बैक करना। और यहाँ पर से कैपिटल टाइप करना है यहाँ पर, ये 3 लेयर है, इस 3 लेयर को इस तरह सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से कॉपी 3 लेयर कर लेना, इसके बाद में बैक करना है और बीट मार्क प्रीसेट ओपन करके जहाँ से इमेज स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आना है, यहाँ पर पेस्ट 3 लेयर कर लेना, यहाँ पर 16:5 पे आकर और इसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे टाइप कर लेना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है।